गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेवन हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेवन। चैप्टर सेवन में हम पढ़ चुके थे पेज नंबर 46 तक पढ़ चुके थे। आज हमें 47 पढ़ना है, पेज नंबर 47 पढ़ना है। तो खंबा क्या कहता है, पेड़ से मतलब शिशु की आवाज़ करता है। पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है। तब पेड़ कहता है, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए शिश करके कौवे जागना जाग कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर, अभी आया जाता हूँ, और इस तरह जो है कौवा को उठा देते हैं। खंभा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुक कर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़ कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा, मैं भी ले देखना चाहता हूँ उसे, ऊपर मुझसे झुका भी नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? तब लेटर बॉक्स कहता, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लिया लाया, किसे बोलो अब। तब पेड़ कहता है, इसे इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। तब कौवा कहता, देखकर अच्छा, ये लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठा कर लाने वाला। तब खंबा कहता है, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी है, लगी थी उसे। तो लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची, गला रुक जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है मैंने। कौवा कहता, हाँ मैंने ऐसा होते देखा है कि लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। तब लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। तब खंबा कहता है, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दी। तब कौवा कहता है, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। तब लेटर बॉक्स कहता है, मैंने देखा है नासपीटे को अच्छी तरह, करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। तब कौवा कहता है, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है छोटी लड़की, अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आँखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुँह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। तब खंबा कहता है, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। तब पेड़ कहता है, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। तब कौवा कहता, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। अब लड़की को ये सारे लोग निर्जीव से लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था क्या। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये लोग तो शांत हैं, पर लगता है शायद मैं सपना देख रही थी। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध है, कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप, कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह कहकर लड़की कहती है, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध, लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर। बच्ची, घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने कौन। लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स, हाँ मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की, तुम चलते भी हो।
लेटर बॉक्स हाँ आदमियों को देख देख कर, लड़की सच लेटर बॉक्स उसमें क्या है थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत, लड़की एकदम खिलखिला कर हंसती है, मत जा, लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है, लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ कुछ भजन वगैरह, लड़की सच, तब लेटर बॉक्स कहता है भजन की एक लाइन गाता है, लड़की तुम मज़ेदार हो, बहुत अच्छे तुम बहुत बहुत अच्छे हो, और लेटर बॉक्स पर मैं बहुत लाल हूँ ना, स्पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर, और लाल रंग पोत दिया इसीलिए लोग मुझे लाल ताऊ कहकर बुलाते हैं। लड़की कहती है लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना सा लग रहा है सपना, लेटर बॉक्स कभी ना देखी वो ऐसी चीज़, देख लो यूँ ही लगता है, तू रहती कहाँ है। लड़की मैं अपने घर में रहती हूँ, लेटर बॉक्स बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर की ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ। लड़की हाँ घर हमारी गली में है, लेटर बॉक्स हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ। लड़की सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में और गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी चोरी भी कम होती है, पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। लड़की नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जिसे जैसे मुझे सब ने नाम दिया है लाल ताऊ, पर अब पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की ये सब कौन, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर है नहीं 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 यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो, पेड़ खम्भा कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स तो मेरी तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है। लड़की मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं सच, कोई कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए यह देख इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की मुझे नहीं पता सच्ची मुझे नहीं पता नहीं पता, खम्भा बीच में है में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खम्भे की तरफ देखती है, वह चुप है। लड़की को बोलती है कौन बोला यह कमाल है, हाँ कौन बोला, तो लेटर बॉक्स कहता है खम्भा जीभ काट कर नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे यूं ही। लड़की से मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से, तब पेड़ कहता है हाँ एकदम मुँह पर टहनी रखता है। लड़की देखो वहां से आई है आवाज़, ज़रूर आई है उस पेड़ पर से आई है, कौवा मैंने नहीं की चोच दबा कर रखता है। लड़की कौन बोला यह कौन कौवा, तब खम्भा कहता है गधा है यह भी पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर बोले। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संचलन पुनः बिगड़ता है और वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। लड़की वो देखो देखो कोई नाच रहा है, सभी एक तक देखते रहते हैं, क्या है यह क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन है। लेटर बॉक्स प्यार से देख तू बिल्कुल घबरा मत हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की हम ही मतलब कौन, बताओ ना बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स हम ही यानी कि हम ही में लेटर बॉक्स, यह पेड़ वह बिजली का खंभा, यह कौवा भी और वह सिनेमा का पोस्टर भी। तब लड़की कहती है कसम से लेटर बॉक्स कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं यह सब तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते और नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर अब पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की मज़े हैं खूब खूब मज़े हैं अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता, खम्भा पेड़ कौवा सावश। लड़की हैरान होती है फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की सब चलकर पहले मेरे पास आओ, सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ सब खम्भा सीधा खड़ा है, खम्भे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। तब लड़की कहती है क्यों पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। तब लड़की कहती है
व्याकुल होकर अरे मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। टीचर से जैसे सजा मिली हो, खंभा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो, सब मिलकर बड़े यत्न से खंभे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की कहती है, ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी। एक लंबा लड़का बैठ गया। खंभा, जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की कहती है, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़ मैंने देखा था, जीभ काटता है। हाँ मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है तुम्हें 0 नंबर। तब पेड़ कहता है खंभे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, ए हम सब खेले हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरू की आवाज़ मज्जा, एक लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोच कर, ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं। हाँ मेरी अम्मा ने सिखाया है मुझे दिखाऊं करके। तब सभी कहते हैं हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंभे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंभा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंभा, सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा कहता है किसके? तब खंभा, हूँ उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह लेटर बॉक्स। बाप रे। तब फिर पेड़ कहता है क्या किया जाए। खंभा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ कहता है लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है और सभी भाग लेते हैं। पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिए।